लवलेश सनी उर्फ मोहित, मोहित उसका नाम बताया जा रहा है, और ये जो मोहित है ये कासगंज का है। लवलेश तिवारी बांदा का है, जहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, घर में पूछताछ की जा रही है। परिवार वाले पहले से बता रहे हैं, एक लड़की को थप्पड़ मारने के केस में पहले भी वो जेल जा चुका है लवलेश तिवारी, वो बांदा का है। दूसरा आरोपी जो इस पूरे मामले में है वो है हमीरपुर का अरुण मौर्य, उससे भी पूछताछ हो रही है। तीसरा सन्नी कासगंज का है। अति कश्यप की हत्या में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, मेड इन तुर्किये, तुर्किये में बनी जिगाना पिस्टल से अतीक की हत्या की गई है। जो हथियार इस्तेमाल किया गया है उसकी पहचान हो गई है, लेकिन इसी के साथ याद रखिए, पिस्टल बरामद की गई, फेक माइक, फेक आईडी वाली माइक। आप सोचिए कि इन्होंने डमी कैमरा तक बनाया, जो अभी तक पुलिस के हवाले से जानकारी आई है, इन्होंने डमी कैमरा भी इकट्ठा किया, और फिर वहां पर जाकर ये है उनकी बाइक, और ये देखिए कैमरा माइक दोनों जो वहां पर मौजूद है, ये डमी कैमरा है जो बताया जा रहा है, और जो आईडी है माइक की वो भी फेक आईडी है, आई कार्ड भी इन्होंने बाकायदा बनाया हुआ था, उन सब के साथ ये गए थे, और यही वो पिस्टल है, जिगाना पिस्टल मेड इन तुर्की, 6 से 7 लाख की कीमत वाली ये पिस्टल है जिससे हत्या की गई है माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की। आपको बता दें इनमें से जो अरुण मौर्या है उस पर पुलिस वालों की हत्या का पहले ही आरोप लग चुका है, तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है,